कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं इसमें, और इस प्रैक्टिकल बातों में हम लोग अपने छोटे से खिलौने का यूज करेंगे और इसमें देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द another negative terminal of the cell, then this particular combination is known as the series combination of the cells. Okay, इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, बिल्कुल practically सारी चीजों को देखेंगे और इसी तरह से खेल खेल में अपन लोडेड स्टूडेंट्स वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक, तो हम लोग कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक, थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे और आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम लोग बैटरीज की स्टडी करते हैं तो किस तरीके से उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं और फिर वन बाय वन करके हम लोग उस सारे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, कोई भी चीज टफ नहीं होती। सबसे पहली चीज, कोई भी चीज टफ नहीं होती है, ये चीज दिमाग में रख के चलना। चलो कम ऑन आओ। सबसे पहले देखो, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की जब अपन बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की, तो कभी भी ग्रुपिंग जो होती है वो दो तरीके से पॉसिबल होती है। ठीक, दो तरीके से। पहली होती है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। सबसे पहली बात है कि अपन जैसे रेजिस्टेंस में अपन किए थे कि पहले सीरीज में, है ना, सबसे पहले सीरीज में अपन रेजिस्टेंस को अरेंज कर सकते हैं या पैरेलल में रेजिस्टेंस को अरेंज कर सकते हैं। तीसरा ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि मिक्स्ड, है ना, कि वो क्या होती है, एक मिक्स्ड जो है कॉम्बिनेशन आता है। तो दो तरीके से कॉम्बिनेशन, पहला होता है ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या आता है? मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब देखो, हम लोग का जो ये एक हम रूट मैप बनाए हैं कि हम लोग सेल को किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या है कि ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वास्तव में ग्रुपिंग ऑफ सेल होती क्या है। ठीक, उसके बाद जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज, और सीरीज में भी हम लोग सबसे पहले अपन बात करेंगे कि टू सेल्स इन, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। देखो, वास्तव में होता क्या है कि जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जब सेल्स की बात करते हैं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब अपन कॉम्बिनेशन की बात करें भाई, कॉम्बिनेशन में मिनिमम पॉसिबिलिटी ये होगी कि अपने पास दो सेल होगी केवल। ठीक है ना, तो वही चीज कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। उसके बाद इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला जो टॉपिक होगा, वो अपना बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर अपन आएंगे ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। फिर देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ सेल्स अगर आ जाती है तब क्या रिस्पॉन्स होता है उसका। ओके, फिर उसके बाद उसमें हम कुछ जनरलाइज क्वेश्चन करेंगे और मेनली क्या करेंगे कि फाइनली जेई और नीट लेवल के क्वेश्चंस को भी अपन यहीं पे उड़ा देंगे। ओके, अब देखो, सेकंड पार्ट में जो हमने करा है, जो सेकंड पार्ट हमने डिवाइड किया है इसको पढ़ने के लिए, सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल, फिर ये देखेंगे कि पैरेलल में कैसे सेल्स को अरेंज किया जाता है, फिर उसमें भी ये देखा जाएगा कि ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स, तो इसमें भी मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मिनिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपन टू सेल्स पे काम करें। तो जब अपन टू सेल को लेंगे तो टू सेल से क्या रिजल्ट आएगा उसको अपन देखेंगे, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, अब उसके बाद फिर क्या होगा कि ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, अब उसका जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो अपना ये होगा कि अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को ले लेते हैं और उसके बाद उसको ग्रुप में, है ना, उसके बाद उसको हम पैरेलल में अगर लगाते हैं तो किस तरीके का फॉर्मूला निकल के आता है, किस तरीके का अपन का कॉम्बिनेशन बन के आता है, उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद उस पर हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन देखेंगे, और जनरल क्वेश्चन भी अपन ना बिल्कुल लल्लू टाइप वाले देखेंगे कि जिससे अपन के दिमाग में ये चीजें हैं कि कभी भी जब ग्रुपिंग की बात आए, हाँ, तो वो क्वेश्चन तुरंत क्लिक करें अपने दिमाग में। ओके, और फाइनली हम लोग फिर जेई और नीट लेवल के कुछ क्वेश्चन इसी समय देख लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज टफ नहीं होती है। जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज, तो पहले हो सकता है कि हाँ, इसके पहले अपन कभी नहीं देखे हैं, लेकिन क्या करेंगे, जब अपन स्क्रैच लेवल से बिल्कुल चीजों को शुरू करते हैं, बिल्कुल लो लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीजों को शुरू करते हैं, तो कोई भी चीज टफ नहीं होती है। तो चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला काम करते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज में, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज की बात करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इस रूट मैप पे अपन काम करने वाले हैं,
कॉम्बिनेशन ऑफ, या यूं कह लो कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम लोग इस तरीके का काम करेंगे। पहला टॉपिक कह लो वो होगा ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज, ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। तो सबसे पहला टॉपिक अपना यही रहेगा। ओके, अब चलो इसमें देखते हैं कि किसी भी सेल को जब दो सेल्स अपने पास होती हैं तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहते हैं। तो देखो इसकी एक डिफिनेशन होती है कि whenever the negative terminal of the one cell is connected to the positive terminal of the another cell, then this type of combination is known as series combination of the cells. देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि यहां पे अपने पास एक सेल है और ये सेल जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है। ओके, अब इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अपन इसको पढ़ भी चुके हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मान लो कि ये R1 है और इसका EMF जो है ये मान लो कि ये E1 है, ठीक है ना, इसको मान लो कि ये E1 है और ये R1 है। अब देखो अब दूसरा जो टर्मिनल है मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है और इसका जो EMF है वो E2 है। ओके, अब देखो मान लो कि ये पॉइंट जो है अपना ये A है, यहां पे एक पॉइंट मान लो ये B है और यहां पे एक पॉइंट मान लो ये सी है। अब देखो द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। ओके, तो कभी भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन आएगी जब एक टर्मिनल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हो, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक जनरलाइज्ड फार्मूला होता है, उस फार्मूले तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ एजम्पशंस लेना पड़ेगा। एजम्पशंस ये है कि मान लो ये अगर पॉइंट ए है, ये एक सेल लगी हुई है जिस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और हर सेल का जैसे एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वैसे ही ये सेल नंबर वन का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये अपना सेल नंबर टू है जिस सेल का ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2 है। ओके, अब देखो अब यही से अपन शुरू कर देते हैं, यही से अपन एक जनरलाइज फार्मूला निकालने की कोशिश कर देते हैं। देखो मान लो कि ये क्या है, ये पॉइंट ए है, यहां का जो पोटेंशियल होगा मान लो ये VA है। ओके, और ये पॉइंट बी है। ओके, ये पॉइंट बी है, यहां का जो पोटेंशियल है ये मान के चलो कि यहां पे पोटेंशियल क्या है VB है, और यहां पे मान लो पोटेंशियल क्या है VC है। अब ये मानो कि ये जो बैटरी लगी हुई है, क्योंकि अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गई, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मान लो कि ये एक करंट आई जो है ये किसी सर्किट को दे रही है, ठीक है ना, किसी सर्किट को ये आई करंट दे रही है ये बैटरी, ठीक है ना। अब देखो वास्तव में अगर हम VAB की बात करें, जब अपन क्या करें VAB की बात करें, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या होता है VA माइनस VB। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अपन जाने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अपन ये जानते हैं कि EMF माइनस IR1 इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो VAB अपना क्या निकल के आया, VAB अपना निकल के आया I1 माइनस E1, यानी कि EMF ऑफ द फर्स्ट सेल माइनस IR1, क्योंकि भाई ये जो आई करंट है वो आई करंट यहां से भी तो फ्लो होगा ना यार, यहां से भी फ्लो होगा, तो E1 माइनस
आई आर वन हो गया। ऐसे ही जब अपन इन दोनों के बीच में अगर अपन वी वी सी की बात अगर करते हैं, अपन वी बी सी की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई टू माइनस आई आर टू हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, ई टू माइनस क्या हो जाएगा, आई आर टू हो जाएगा। इसको मान लो कि ये तुम्हारा क्या इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है ना। अब अगर हम वी ए है ना, वी ए सी की बात करें, वी ए सी की बात करें, यानी कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो अपन क्या लिखेंगे, वी ए सी लिखेंगे भाई, वी ए सी लिखेंगे, हाँ है ना। तो वी ए सी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी, और वी ए माइनस वी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं क्या, ई वन माइनस आई वन आर वन प्लस ई टू माइनस आई टू आई आर टू, है ना भाई, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि भाई वही तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके और इसके बीच का होगा, वो कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक। अब देखो इसको अपन लिख लेते हैं, E1 और E2 यहां पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, बिल्कुल क्लियर। अब देखो ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, इन दोनों को एक साथ में कर लो, I और R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ओके। तो एक ये जनरलाइज, ये एक जनरलाइज AC यानी कि वोल्टेज है ना, VAC यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल सी क्या निकल गया यार, E1 प्लस E2 माइनस R1 प्लस R2, I ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2, ओके। अब इसको तो मान लो, इसको मान लो कि ये अपना क्या है, ये अपना है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां से अपन एक जनरलाइज फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, ओके, जनरलाइज फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, और उसमें देखते हैं कि अब इसमें अपन ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये जो दोनों सेल्स लगी हुई है जब अपन वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो क्या हो रहा है, ई वन प्लस ई टू हो जा रहा है, ओके। और यहां पे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, आर वन प्लस आर टू, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइनली क्या हो जा रहे हैं, वो फाइनली जुड़ जा रहे हैं, और जो बैटरी के ईएमएफ हैं, जो सेल्स के जो ईएमएफ हैं, वो सेल के ईएमएफ भी एड होते जा रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से अपना एक फार्मूला, जनरलाइज फार्मूला अगर यहां से अपन बनाने की कोशिश करें, जनरलाइज फार्मूला अगर अपन बनाने की कोशिश करें, तो इतना नोट कर लिए हो ना, चलो ठीक है। इतना नोट करने के बाद अब हम लोग एक जनरलाइज फार्मूला निकाल लेंगे, यहां से वो जनरलाइज फार्मूला ये होगा कि VAC क्या हुआ, VAC में E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ओके। अब इन दोनों, इस पूरे को अगर हम एक बैटरी बना दे, अगर एक बैटरी बना दे, यू कह लो कि इसको अगर अपन एक साथ अगर लिखने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक इक्विवेलेंट, और उसके बाद एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पे आर इक्विवेलेंट, ओके। जहां पे ई इक्विवेलेंट क्या होगा, जहां पे ई इक्विवेलेंट क्या होगा, ई वन प्लस ई टू, ओके। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा आर वन प्लस आर टू, है ना भाई, यही तो होगा ना, आर वन प्लस आर टू। तो इस तरीके से हमारा ये एक जनरलाइज फार्मूला निकल के आया कि
कि अगर दो सेल, अगर दो सेल सीरीज में लगी हुई है, दो सेल सीरीज में लगी हुई है जिसमें पहले सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे? इस केस में अपन फाइनली यहाँ पे VAB इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2 करके निकाल लेंगे। ओके, अब देखो, अब हम लोग कुछ एक जनरल सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, अब देखो, एक जनरल स्टेटमेंट क्या है? जनरल स्टेटमेंट क्या है कि द इक्विवेलेंट, ठीक, जनरल जो एक स्टेटमेंट निकल के आएगा वो आएगा जो जनरल स्टेटमेंट, ठीक, एक जनरल स्टेटमेंट जो निकल के आएगा वो पहला ये होगा कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी द सम ऑफ ऑल ईएमएफ ऑफ द सेल्स। लाइक E1 प्लस E2 प्लस E3, लाइक ऐसे। ओके, दूसरी चीज, दूसरा जो जनरल पॉइंट अपना निकल के आया, इंटरनल रजिस्टेंसेस। लाइक इसमें क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ऐसे जितने भी रजिस्टेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। ओके, अब देखो, ये एक जनरल आइडिया हम लोगों को मिल गया कि अगर इस तरीके से ग्रुपिंग अगर हुई है, अगर इस तरीके से ग्रुपिंग हुई है सेल की, तो हम किस तरीके से फाइनली हम वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा कि उन सारे इंडिविजुअल ईएमएफ्स जो होंगे, ऑल द इंडिविजुअल ईएमएफ्स विल बी एडेड एंड ऑल द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी एडेड, ठीक है ना। तो फाइनली जो फार्मूला अपन का बन के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ऐसे। ओके, माइनस क्या, माइनस में करंट जो वो पर्टिकुलर सेल्स जो है वो सर्किट को भेज रही हैं, वो प्लस R1 प्लस R2 प्लस ऐसे जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें यूज किए गए रहेंगे। सीधी सी बात है, जितना ईएमएफ यूज किया जाएगा वो सारे ईएमएफ ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद जितने इंटरनल रेजिस्टेंस रहेंगे वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। ओके, अब देखो, इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक अपना हो जाता है बिल्कुल। ओके, तो जो टॉपिक अभी अभी अपन बढ़े हैं, अब इसी पे आप लोग एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसको जब आप लोग नोट करने लगेगा तो
ना, सबसे आगे यहाँ पे मैंने बीक्यू लिखा है, बेसिक क्वेश्चन लिखा है, वहां पे आप लोग लिख लीजिएगा लल्लू टाइप ऑफ क्वेश्चन। लल्लू टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा फील आता है कि हाँ मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को अपन ऐसे ही उड़ा के लगा देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ कि जैसे कभी बोर्ड में अपन को बैठना पड़ेगा आगे चल के, तो जब बोर्ड में बैठेंगे अपन तो सीधे से कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन आए तो हाँ सबसे पहले ये तो लल्लू टाइप क्वेश्चन है, तुरंत निकल जाएगा अपन से। ठीक, तो चलो कमाओ, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से कि ये क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले ये देखो, 20 सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, ओके है ना, 0.5 ओम है, यानी कि 20 बैट है ना, 20 सेल्स है अपने पास, 20 सेल्स है अपने पास, और सारी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वो 0.5 ओम है। ओके, अब एंड ईएमएफ 1.5 वोल्ट, और जो उसका ईएमएफ है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। आर यूज टू सेंड अ करंट थ्रू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, है ना। ये क्या कर रहा है कि एक है ना 20 बैट है ना, 20 सेल्स हैं, और 20 सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है, और उनका जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है, सभी सेल्स का। ओके, और हो क्या रहा है कि ये करंट भेज रहा है जो कि 5 ओम के रेजिस्टेंस से होकर जा रहा है। तो फाइनली ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो वास्तव में होता क्या है, जब अपन 10th लेवल पे होते हैं ना तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो अपने दिमाग में क्या होता है, अपने दिमाग में वो इमेज बनती ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इमेज बनाने की कोशिश करो, ये देखो कि वास्तव में ये क्वेश्चन की है ना, इस क्वेश्चन का लेआउट कैसा होगा। अब आओ देखते हैं, 20 बैटरी लगी हुई है, तो देखो ऐसा कुछ हुआ होगा कि सपोज करो कि बैटरी नंबर 1 है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे हो गया होगा। फिर एक बैटरी लगी होगी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और निगेटिव टर्मिनल ये है, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ये है और निगेटिव टर्मिनल ये है, और ये सारे के सारे अब देख लो यहां पे एक मिसिंग है, उसको लिख लो कि ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस केस में हमें करंट की वैल्यू बताना है। तो चलो देखो, अब इस तरीके से क्या हुआ होगा, इसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, ऐसे 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 करके कितने 20 है ना 20 सेल्स लगी हैं, और इन सभी का जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है और 0.5 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यही कहानी इसके साथ है, 1.5 वोल्ट का ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0.5 ओम है, ऐसे ही इसका भी 1.5। ये मान लो कि ये कौन सी है, ये 20th सेल है। ऐसे ऐसी 20 बैटरी लगी हुई है ना, यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेल्स ऐसे ऐसे लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, ये एक बाहरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 5 ओम, इससे होकर ये करंट भेज रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकलेगा, और ये क्या होगा, ये निगेटिव टर्मिनल पे करंट आएगा। तो फाइनली इसी करंट की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, कि जब कभी भी अपन को निकालना होगा, जब कभी भी अपन को इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना होगा इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ, दैट विल बी ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 डॉट डॉट, कितना हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स आर सेल्स आर देयर, यहाँ पे 20 सेल्स हैं, और सभी सेल्स का जो ईएमएफ है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 20 into 1.5, 15 दुना 30,
यानी कि 30 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 वोल्ट आ जाएगा। ये आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 30 ओम आता है ना, 30 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 का है, ये भी 0.5 का है, ये भी 0.5 का, ऐसे ऐसे कितने रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस? देयर आर 20 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। ओके, तो देखो इक्विवेलेंट है ना इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 20 × 0.5, बोले तो कितना? 20×25 100, यानी कि 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, अपन इस पूरी सर्किट को खत्म करके, अपन इस पूरी सर्किट को खत्म करके कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक निगेटिव टर्मिनल, और ये एक रेजिस्टेंस है ना। बोलो भाई। हाँ सर, तो अगर हाँ भैया तो ये बताओ कि इसका इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 वोल्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 ओम, हो जाएगा 10 ओम। अब ये तो अपना पुराना वाला लल्लू टाइप वाला क्वेश्चन बन गया कि ये आई की वैल्यू अपन को निकालनी है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओम साहब से मिलने जाएंगे, ओम साहब से बोलेंगे कि भैया हमें फार्मूला बताओ, तो वो कहेंगे कि V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और फिर आके निगेटिव टर्मिनल पे करंट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे? ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। तो अगर सीरीज में होंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना? 10+5 बराबर कितना आ जाएगा? 15 ओम आ जाएगा। 15 ओम अगर आ गया तो यहां से आई की वैल्यू क्या होती है भैया? वी अपान आर होती है कि नहीं होती है? वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी अपान आर। तो अगर वी अपान आर करोगे तो वी की वैल्यू 30 है और आर की वैल्यू 10+5 = 15, तो क्या ये 2 एम्पियर नहीं आ जाएगा? भैया ये तो बड़ा आसान सा, हाँ बिल्कुल आसान सा था, और ऐसे ही आसान क्वेश्चन तुमसे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। इवन हम जब ये टॉपिक खत्म करेंगे तो हम तुम्हें जेई नीट के और जेई मेंस के भी क्वेश्चन तुम्हें करवाएंगे, तो तुम्हें ये फील आएगा इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं। बस क्या करो कि एक एक टॉपिक जो छोटे छोटे हम तुम्हें बताते जा रहे हैं उनको क्या करो, बढ़िया से नोट्स बनाते चलो और अच्छे से अभी से इस पे वर्कआउट करते चलो। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन अपना हुआ कि नहीं, अगर इसका थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना हो तो ये वाली कार पहचान रहे हो? ये वही कार है ना जब अपन छोटे थे तो दौड़ाया करते थे, बिल्कुल इसके इसके पीछे यहाँ पे बैटरीज लगी होती थी। तो एक काम करना है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के जस्ट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल के जस्ट बगल में देखो ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल, हेंस वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर टॉय, इन दिस पर्टिकुलर कार, द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में ही तो है। तो इस तरीके से अपन अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखेंगे या कोई भी अगर छोटा सा टॉय देखेंगे, कोई सभी खिलौना देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होता, तो उसमें देख के तुरंत जान जाएंगे कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज इस लेक्चर को अपन खत्म करते हैं, और जहां पे भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहोगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर का फिर आप लोग वेट करिएगा, वेट नहीं करना आप लोगों को, ऐसे ही बैक टू बैक लेक्चर आते रहेंगे। आप लोग 10th की बिल्कुल भयंकर लेवल पे तैयारी शुरू करिए, जेई नीट और एडवांस लेवल की भी आपको तैयारी यहां से करने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही मिलके हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा बनाते हैं। ठीक है, हमारे अगर आज हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हिट कर रहे हैं तो कल को हम लोग बड़े क्वेश्चन नीट और जेई के क्वेश्चंस भी चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। चलो तब तक के लिए जय हिंद।